अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दैट इज़ 2022 नेशनल करिकुलम, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर की बुक है 26 की, ठीक है। और ये बुक्स का, इस बुक का लिंक जो है पीडीएफ में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप इस बुक को डाउनलोड करें और इसको रीडिंग करें। ये बहुत आसान बुक है रीडिंग के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ योर फ्रंट पेज। अब इसके बाद आपके पास ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं इस बुक के, कि इस बुक में हम 6 चैप्टर्स को जो है वो थॉली रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। द फर्स्ट चैप्टर इज़ ICT फंडामेंटल्स। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की जितनी डिवाइसेस हैं उनको डील करने के लिए हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। तो इसलिए ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं इनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये डिवाइसेस आपके सामने, कि कंप्यूटर है, नोटबुक्स हैं, आजकल जैसे लैपटॉप्स जो हैं वो नोटबुक्स कहला रहे हैं, ठीक है। ये PCO सिस्टम्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर यानी मल्टीमीडिया स्क्रीन्स जिससे हम देखते हैं, प्रिंटर्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर स्क्रीन है, ये प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट चलाने के लिए स्क्रीन्स लगाई जाती हैं जो कि प्रोजेक्टर स्क्रीन्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये कॉपियर मशीन्स हैं। तो ये सारी की सारी ICT डिवाइसेस हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ठीक है। ICT जो है वो आपके सामने, ये आजकल यहाँ पर अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो क्या है कि ये ICT डिवाइसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। ICT इज़ एवरीवेयर। अब कंप्यूटर का दौर है तो टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह जो है वो इस्तेमाल हो रही है। बेशक अगर आप गवर्नमेंट्स में देखें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जैसे मेट्रो सिस्टम है, ये सारा का सारा जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। एंटरटेनमेंट है, बसेस हैं, बिजनेस है, हर जगह हम ये ICT डिवाइसेस को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपके पास ICT डिवाइसेस की, ICT स्टैंड्स फॉर इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी डेफिनेशन है आगे, डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि वो टेक्नोलॉजीज के टूल्स, वो चीज़ें जो कि डाटा को लेती हैं, क्रिएट करती हैं, स्टोर करती हैं और फिर उसको मैनेज करके जो है वो एक नया डाटा, एक नई इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करती है, दैट इज़ कॉल्ड ICT डिवाइसेस, ठीक है। वी यूज़ ICT डिवाइसेस एवरीवेयर। हम इन ICT डिवाइसेस को हर जगह इस्तेमाल करें, जैसे कि यहाँ पर अभी आपने नीचे देखा है, ठीक है। एट स्कूल्स, होम, हॉस्पिटल, वर्क प्लेसेस, हर जगह पर ये ICT डिवाइसेस का काम मौजूद है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज़ योर डेफिनेशन। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा, स्टोर्स एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्पीड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जो है वो डाटा को लेने के लिए और उसको फिर प्रोसेस करने के लिए और आपको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है। कंप्यूटर जो है, इनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में आ रही होती हैं, उनको प्रोसेस करता है, उनको चेकआउट करता है और फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर रिजल्ट जो है वो देता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। नीचे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, व्हेन एन अलार्म क्लॉक वेक यू अप्स यू लीप आउट ऑफ द बेड, या जब आप उठते हैं तो क्या हो गया, अलार्म क्लॉक बजा और आप जो है वो अपने बेड से बाहर आ गए, ठीक है। एंड हेड ऑफ़ द किचन, और आप किचन में गए, यू प्लग इन द टोस्टर, आपने टोस्टर ऑन किया, और कॉफ़ी मेकर जिसमें कॉफ़ी बनाई जाती है, कॉफ़ी मेकर, ठीक है। आफ्टर द इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश, अगर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में तो अभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेज जो हैं वो हैं जो कि खुद ही आपके टीथ को ब्रश जो है वो करती हैं। आप शावर इस्तेमाल करते हैं, ड्रेस करते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, पानी पीते हैं, फिर माइक्रो में जाकर, आप माइक्रो में कोई चीज़ रखी है तो माइक्रो से आप वो चीज़ निकालें, TV को ऑन करें, ठीक है, और TV पर आप जो है वो न्यूज़ सुन रहे हैं या वेदर फॉरकास्टिंग सुन रहे हैं, फिर आप जो है वो TV अपना स्विच ऑफ करके बाहर निकलें, गाड़ी में बैठे हैं, स्कूल की तरफ आ रहे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स ऑन है और आपने अपनी गाड़ी में जो है वो म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया है, ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी जो उन्होंने हाईलाइट किया है, ऑल ऑफ दीज आर द ICT डिवाइसेस। अगर देखा जाए तो क्लॉक, टोस्टर,
कॉफ़ी मेकर, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, रिमोट टीवी, माइक्रोवेव, ट्रैफिक लाइट्स, म्यूजिकल प्लेयर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द ICT डिवाइसेस. क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ये डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल हो रही है. ठीक है, यू हैवंट येट टच योर PC, आपने कंप्यूटर ऑन नहीं किया, आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई काम नहीं किया, लेकिन अदर देन दैट ऑल ऑफ दीज आर द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस. दैट्स वाई दीज आर द ICT डिवाइसेस. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी डील्ड विद द मैनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस. दीज फेमिलियर एप्लीकेशंस रिलाई ऑन द टाइनी कंप्यूटर्स, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं. तो आपको कोई पूछेगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है. माइक्रो का मतलब होता है छोटा. ठीक है, प्रोसेसर का मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? दीज आर द टाइनी कंप्यूटर्स विद इन अ चिप, इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर. समझ आया? दैट इज़ योर फर्स्ट पेज. अब आप यहाँ पर देखेंगे सारी ICT डिवाइसेस को. ये मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है. ठीक है, जैसे सेटेलाइट्स है, लैपटॉप्स, सिस्टम यूनिट यानी कि CPUs. ठीक है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, बारकोड, टैबलेट्स, बायोमेट्रिक सिस्टम, ये सारी की सारी आपके सामने ICT डिवाइसेस हैं, जो कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर डिवाइसेस के ऊपर जो है वो वर्कआउट कर रही हैं. समझ आ गया? नेक्स्ट वन इज़ योर डिवेलपमेंट इन द हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कहते हैं बैक, कहाँ से कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हुआ. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेन्योर्स, डिफरेंट पीरियड्स जो हैं वो आए हैं, जिनको हम जनरेशन्स का नाम देते हैं. या आपके पास फर्स्ट जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट टाइम जिसमें हम कंप्यूटर की डिवाइसेस में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते होते थे. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके सामने ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ द वैक्यूम ट्यूब्स. ये इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी जो कि इनकी स्पीड भी स्लो होती थी, और डाटा को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो इसमें कंप्यूटर्स जो हैं वो इतने बड़े होते थे कि जैसे एक पूरा हॉल है, एक पूरा रूम है जो है पूरा एक कंप्यूटर को रखने के लिए इस्तेमाल होता था. ठीक है, तो इस ये इतना ज़्यादा कंप्यूटर को जो है वो गर्म कर देता था, रिलायबल नहीं था. तो ये टाइम जो है, क्योंकि जब चीज़ स्टार्ट होती है तो एकदम से तो नहीं वो पूरी चीज़ नई बन के आ जाती है. अगर आपने टाइम देखा हो तो पहले हम कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते थे, अब लैपटॉप्स आ गए हैं, अब लैपटॉप्स के बाद जो है वो टैबलेट्स आ गए हैं, और टैबलेट्स के साथ साथ अब नोट्स हैं, और मोबाइल फ़ोन पे हम पूरा का पूरा कंप्यूटर का काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जनरेशन्स हैं, ये टाइम पीरियड है जो कि गुजरता जाता है, और हर आने वाले दौर में हम नई चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो बना था, वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बना था. द स्पीड इज़ स्लो एंड द मेमोरी इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ वेरी ह्यूज इन साइज, टेकिंग द इंटायर रूम, जैसे मैंने भी आपको बताया. ठीक है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अनरिलायबल एंड कंज्यूम टू लॉट ऑफ पावर. इसको चलाने के लिए ज़ाहिर बात है एक पूरा कंप्यूटर, एक पूरा रूम जो है वो ले रहा है, तो इसका मतलब इसको चलाने के लिए अच्छी खासी पावर जो है वो चाहिए होती थी. और ये होता था कि ये फ़ौरन से हीट अप हो जाते थे, तो इसको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता था. तो दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव. ओके, नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम ट्रांसिस्टर्स इस्तेमाल करते थे. यहाँ आपको ये नज़र आ रहे हैं ट्रांसिस्टर्स. ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद द ट्रांसिस्टर्स. इज दैट क्लियर? हम वैक्यूम ट्यूब्स को रिमूव करके ट्रांसिस्टर्स ले आए. ट्रांसिस्टर्स रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर. अब साइज जो है वो कंप्यूटर्स का छोटा आ गया. इंक्रीज द स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी. कंप्यूटर्स बिकम मोर रिलायबल एंड चीप. अब कंप्यूटर्स जो हैं इसकी वजह से थोड़े से चीप हो गए, सस्ते हो गए, कि लोग जो हैं, आम लोग तो फिर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिर भी लोग जो हैं एक कंपनी जो है लाइक उसको परचेज करके इस्तेमाल कर सकती थी. ठीक है, वन ट्रांसिस्टर्स हैज़ रिप्लेस्ड 40 वैक्यूम ट्यूब्स. एक रजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब्स की जगह एक ट्रांसिस्टर ने ले ली थी. ठीक है, नाउ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम ICT यानी कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो इस्तेमाल करते थे. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंट्रोड्यूस इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पर हम मेन PCs या कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते थे, तो वो हम मेन हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इस दौर में आ गए थे. ठीक, IC चिप्स इंक्रीज्ड द कंप्यूटिंग पावर एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स. कॉस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई. इम्प्रूव द स्पीड्स, मेमोरी कैपेसिटी एज वेल. कंप्यूटर बिकम मोर स्मॉलर, चीप एंड मोर रिलायबल दैन द सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन से और ज़्यादा ये सस्ते हो गए,
और छोटे हो गए और रिलायबल हो गए। रिलायबल का मतलब है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, इतने ज़्यादा फ़ौरन से गर्म नहीं होते थे या काम करने में आसान थे। तो ये हमारी जनरेशन जो हैं वो थर्ड जनरेशन तक चली। नेक्स्ट वन इज़ योर फोर्थ जनरेशन, जिसमें हमने आँख खोली, जिसमें हम कंप्यूटर्स को जो है वो इस्तेमाल करने लगे, दैट इज़ फोर्थ जनरेशन, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर्स, ये प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, इन प्रोसेसर्स को इस्तेमाल करते हुए, ये चिप्स हैं जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाती हैं, ठीक, ये माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो काम करना और आसान हो गया। माइक्रो प्रोसेसर्स आर इंट्रोड्यूस इन द फोर्थ जनरेशन। अब सारे ट्रांजिस्टर, सारे जो हम देख रहे थे आईसी चिप्स जो हैं, या हमने वैक्यूम ट्यूब्स देखे, ट्रांजिस्टर्स देखे, ये सब के सब रिमूव हो गए, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर आ गए इन 1970s। इट रिजल्टेड इन द डिवेलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। अब छोटे कंप्यूटर्स जो कि हमारे घरों में कंप्यूटर, जिनको हम PCs कहते हैं, वो इस्तेमाल होने लगे। इन द डिवेलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी फास्ट, मोर रिलायबल, वेरी ह्यूज कैपेसिटीज टू स्टोर, अफोर्डेबल, घरों में इस्तेमाल हो सकते थे इसलिए ये अफोर्डेबल है, एंड यूज़ द एडवांस कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल आईसी चिप्स दैट हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। सारे कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को हैंडल करता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो हमारे पूरे कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती थी, ठीक है। एंड द लास्ट वन नाउ दैट इज़ योर फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन बेस्ड ऑन AI, AI इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कि कंप्यूटर जो हैं वो और इंटेलिजेंट हो गए, रोबोट्स आ गए, जो चीज़ें आ गई हैं, ATM मशीन्स आ गई हैं, ठीक है, स्कैनर्स आ गए हैं, तो ये सारी जो हैं वो आपकी AI बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवेलप द डिवाइसेस दैट अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझ कर, जैसे रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझते हैं और फिर काम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी इस बेस के ऊपर आ गया। लाइक द ह्यूमंस, रोबोट्स बिलोंग्स टू द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक, ये आपका सारी जनरेशंस हैं जो कि हिस्ट्री की बेस के ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। आज का ये आपका फर्स्ट लेक्चर यहीं तक काफ़ी था। आने वाले हम लेक्चर में नेक्स्ट जो हैं वो टॉपिक्स के, कंप्यूटर जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इंशाल्लाह हम देखेंगे। आप इसको रीड आउट करें, बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।